डोईवाला विधानसभा से 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। डोईवाला विधानसभा में 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें डोईवाला से सौरभ थपलिया, कैप्टन आनंद सिंह राणा, सुभाष भट्ट, राहुल पवार, वीरेंद्र सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन देते हुए अपना नामांकन वापस लिया है। साथ ही साथ 2 निर्दलीय प्रत्याशी अनुषा मौर्य और रजनी रावत ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो वहीं डोईवाला विधानसभा में अब कुल 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने को मैदान में हैं। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। जब हमने भरा था तो उस नामांकन भरने के बाद यहां पर पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। डोईवाला सीट एक ऐसी सीट है क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ एक सीट ये थी जिसका कि जिस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था, तो नामांकन तो कर दिया था। उसके बाद जो अपने समर्थक थे, अपने सहयोगी थे और क्षेत्रवासी, सबसे बात करी, उनके बीच में गया, सबके बीच में गया, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे अपनी बात रखी कि इस प्रकार से नामांकन तो कर दिया है, परंतु अब आगे क्या निर्णय लेना, तो सब ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि पार्टी में पिछले 27 सालों से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी में प्रमुख कार्यकर्ता हैं और विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहे हैं, तो अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत बनाना है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, अपने प्रत्याशियों को विजय बनाना है। प्रत्याशी के लिए काम करेंगे डोईवाला भाजपा प्रत्याशी? बिल्कुल, विधानसभाओं में जहाँ जहाँ अपना संपर्क है, संबंध है, उन सब के लिए काम करेंगे, पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे।